आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं काफी सारे स्टेट के टीजीटी एन पीजीटी एग्जाम्स में ये सारे एमसीक्यू इंक्लूड हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच शेक्सपियर प्ले फीचर्स द कैरेक्टर रोज़ेलैंड और लैंडो एंड जैक्युस कौन से शेक्सपियर के प्ले में ये तीनों कैरेक्टर्स थे कौन कौन सी रोजेलैंड ऑरलैंडो एंड जेक्यूज एज यू लाइक इट में ट्वेल्थ नाइट में टेन में मच ओडर अबाउट नथिंग तो ये तीनों ही कैरेक्टर जो है रोजोलैंड ऑलैंडो और जेक्यूज ये तीनों ही आपका किस में थे ये एज यू लाइक इट में थे तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है जिसमें रोजोलैंड और ऑरलैंडो जो है वो सेंट्रल रोमांटिक पीरियड के फॉर्म में शेक्सपियर ने दिखाए थे और साथ ही साथ जो एक काफी फेमस लाइन है या फिर एक मोनोलॉग है कि ऑल द वर्ल्ड वर्ल्ड इज अ स्टेज वो बोला था किसने जैक्यूज ने वो भी एज यू लाइक इट में ही था तो ये तीनों ही कैरेक्टर आपके एज यू लाइक इट से लिए गए हैं एज यू लाइक इट हमारा करेक्ट आंसर है इन शेक्सपियर मकबैथ हु प्रोफाइज दैट मैकबैथ विल बिकम किंग किसने भविष्यवाणी की थी कि मैकबैथ जो है किंग बनेगा स्टार्टिंग में ही जो प्ले होता है उसको स्टार्टिंग में ये भविष्यवाणी होती है कि मकबैथ जो है स्कॉटलैंड का किंग बनेगा वो किसने बोला था वो आपका बोला था जो तीन विचिज हैं द थ्री विचिज तीन विचिज ने ये बोला था जिनको उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी, किंग ऑफ स्कॉटलैंड क्वेश्चन वॉट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर शेक्सपियर्स मकबत मकबत का मेन सोर्स या फिर प्राइमरी सोर्स क्या था Holist की क्रॉनिकल्स

विस सोनेट इज द फेमस लाइन शेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे फ्रॉम ये शेक्सपियर की सोनेट की एक लाइन है कौन सा सोनेट की लाइन है सोनेट एटीन ट्वेंटी नाइन सेवेंटी थ्री या वन वन सिक्स सो सोनेट नंबर एटीन जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा Question, which play features the character Shylock. Shylock कौन से प्ले में था के, में, मर्चेंट वेनिस में, फिर जो, आ, शायलों है, शायलों एक एक था था, और वो एक था, किसका मर्चेंट ऑफ वेनिस का ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही है द मर्चेंट ऑफ रोमन रूलर

Uh, का जो मेन थीम है क्या था वो किसको एक्सप्लोर करता था तो जो द ट था उनका वो मेनली द थीम्स ऑफ पावर कंट्रोल फॉरगिवनेस इन चीज़ों पे फोकस uh, था तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया गया पावर एंड फॉरगिवनेस पावर एंड फॉरगिवनेस पे ये मेनली लीड uh, करता था या फिर इसकी प्राइमरी थीम थी ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन व्हाट इज द हु इज द लास्ट स्पीकर इन हेमलेट हेमलेट में जो लास्ट स्पीकर है वो कौन था हेमलेट था हेमलेट तो पहले ही मर गया था होरेशियो ये भी नहीं था क्लॉडियस ये भी नहीं था जो फोर्टीन ब्रास था वो हेमलेट की लास्ट या फिर फाइनल लाइंस बोलता है प्ले की तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन विच शेक्सपियरन प्ले फीचर्स द प्रेस फ्रेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी

एक आइलैंड था ना उसमें मर्दा टेम्पस में एक आइलैंड दिखाया गया था जिसका एक नेटिव था कैलिबन और वो प्रॉस्पेरो का क्या है एक दास टाइप का था उसका एक सर्वेंट टाइप का था उसका तो सही आंसर होगा ड्यूक नहीं है फेरी नहीं है शिप रेक सेलर नहीं है वो एक अ मॉन्स्ट्रस इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड तो सही आंसर होगा मैं ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन विथ जनर बेस्ट डिस्क्राइब द्या प्ले हिस्ट्री है ट्रेजिडी रोमेंस या कॉमेडी तो इट कैन बी क्लासीफाइड एज अ रोमेंस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है वॉट वॉज ग्लोब थिएटर्स औरिजिनल पर्पज़ तो ग्लोब थिएटर जो है वो शेक्सपियर का या फिर शेक्सपियर से जुड़ा हुआ एक थिएटर था जो कि फिफ्टीन हंड्रेड नाइनटी नाइन में बना था एंड ये जब हैनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था सिक्सटीन हंड्रेड थर्टीन में उस टाइम पर बिल्कुल जल गया था उसके बाद सिक्सटीन हंड्रेड फोर्टीन में इसको रिबिल्ड किया गया इसका औरिजिनल पर्पज़ क्या था

वर्न uh, कर रहा होता है कि मतलब जो उसका एसेसिनेशन होने वाला था uh, 15 एथ्स ऑफ मार्च का मतलब है कि 15 ऑफ uh, मार्च को ईस्ट ऑफ मार्च बोला जाता तो उस दिन वो जो सोशिएटर था उसमें अनुमान लगा लेते कि इस दिन सीजर का जो है एसेसिनेशन हो सकता है तो इसलिए वो सीजर को अवेयर करने के लिए उन्होंने ये बोला था कि बीवेयर द ईथ्स ऑफ मार्च ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है ंग एंड बॉडी सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी मगडा द अलार्म ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन विच प्ले कंटेन लाइन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड और चमकने वाली चीज क्या नहीं होती सोना so, nah, ये uh, कहाँ पे कौन से से लिया गया कौन से प्लेसेस के द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर जब वो सूटर्स आए होते हैं पोर्शिया uh, के उस टाइम पे ये चीज बोली गई थी

कि जूलियस सीजर हु कन्विंसेस ब्रूटस टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी तो जो कैसियस होता है वो मेनली वो करता है मतलब तो उसको एक तरह से कैसे उसकी बटरिंग करता है और उसको सीजर के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करने के लिए कॉन्स्पायरेसी में जॉइन करने के लिए उसको वो मैनिपुलेट करता है तो सही आंसर होगा हमारे यहां पे कैसियस रोमन ग तो, उस, क्या नेम था डाइना जूनो और डायना तो जो है इसका सही आंसर है वो गॉडेस ऑफ मून करके रेफर किया था इस प्ले में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है

Say, Hell is empty and all the are here. ये किसने बोला था ये में बोला गया था की लाइन है इसको बोलता है एरियल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है एरियल विच हैज द लाइन आउट ऑफ ब्रीफ कंडल हेमलेट तो ये मकबत की लाइन है जब लेडी मकबेत की डेथ हो जाती है उसके बाद ये लाइन बोली जाती है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा

और एक लॉयर बनता है एक क्लर्क बनता है किसको बचाने के लिए एंटोनियो को बचाने के लिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर Shakespeare इन फर्स्ट फोलियो कॉलिंग हिम द सोल ऑफ द एज किसने बोला शेक्सपियर को सोल ऑफ द एज ये बोला था बैन जॉनसन ने

एरियल रोजोलैंड या मिरंडा तो इसका सही आंसर है टाइटेनिया ये क्वीन ऑफ फेरीज और सेंट्रल कैरेक्टर थी अमिट समर्स नाइट ड्रीम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है तो ये कुछ थर्टी क्वेश्चन थे शेक्सपियर के आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एक दो क्वेश्चन तो पक्का फंसेंगे किसी ना किसी एग्जाम में तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू